तरसे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। सुबह 6:45 पे खेसारी भाई का एक गाना रिलीज हुआ है अंकिता फिल्म से, जिस गाने का नाम है सुना ए राजा पीके गाजा 2। वहीं पे देखा जा रहा है कि पवन सिंह का भी एक गाना रिलीज हुआ है, जिस गाने का नाम है गेरुआ उड़निया पवन सिंह ऑफिशियल से। अब दोनों गाने का अगर व्यूज देखा जाए तो भैया जमीन आसमान का फर्क है। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि पवन सिंह अपना गाना कल रात 10:45 पे प्रीमियर पे लगा दिए थे, क्योंकि उनको पता था कि कल खेसारी लाल यादव का भी गाना रिलीज हो रहा है और मैना भी गाना रिलीज हो रहा है, तो मैं अगर गाना खेसारी लाल यादव के साथ में रिलीज करता हूँ तो मेरे गाने के व्यूज पे लाइक्स पे फर्क पड़ेगा। तो जो लोग पहले ही गाने को प्रीमियर पे लगा देते हैं तो उस गाने पे लाइक्स देखा जाए तो बढ़ने लगता है, उसी टाइम पे लाइक लोग करने लगते हैं। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो पवन सिंह के और खेसारी लाल यादव के गाने के व्यूज देखा जाए, कमेंट देखा जाए, लाइक देखा जाए तो फर्क है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या फर्क है। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, बाकी चैनल को जो सब्सक्राइब कर लो। मैं बता देना चाहता हूँ, खेसारी भाई का भी बहुत से गाने ऐसे हैं जो प्रीमियर में लग जाते हैं, प्रीमियर में लगने के बाद उस पे जो है लाइक्स आने लगते हैं गाना रिलीज के पहले ही। अब देखा गया था खेसारी भाई का गाना आया था जिस गाने का नाम था परदेसिया। परदेसिया गाने पे प्रीमियर से पहले ही 1 घंटे पहले उस पे 14,000 लाइक्स दिखा रहे थे। सेम टू सेम पवन सिंह के गाने पे भी यही हुआ है कि प्रीमियर से पहले 13,000 लाइक्स दिखा रहे थे। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि अगर दोनों गाने का व्यूज देखा जाए तो बहुत ज्यादा फर्क है। अब यहाँ पे पवन सिंह के गाने पे 1 घंटे के अंदर व्यूज दिखा रहा है कुछ 51,000 व्यूज और कुछ 58,000 लाइक्स दिखा रहा है 1 घंटे के अंदर। और वहीं पे अगर खेसारी लाल यादव के गाने पे व्यूज देखा जाए तो 1 घंटे के अंदर 4.4K व्यूज, यानी कि यूट्यूब जो है उसको अपडेट नहीं किया है, ज्यादा लोग एक ही बार व्यूज को वीडियो को देख लिए हैं तो यूट्यूब जल्दी से अपडेट नहीं कर पा रहा है। वहीं पे लाइक्स की बात किया जाए तो लाइक्स कुछ है 33,000 एक घंटे के अंदर। यहाँ पे देखा जा रहा है कि पवन सिंह के गाने पे 2 बार लाइक्स पहुंच चुके हैं यहाँ पे देखा जा रहा है। इसलिए हुआ है कि गाने को रात को प्रीमियर में लगाने के बाद गाने पे लाइक्स बढ़ना शुरू हो गए, ठीक है, और बहुत से ज्यादा लोगों के पास यूट्यूब रिकमेंड कर दिया कि ये गाना कल इतने बजे आने वाला है, इसीलिए शायद पवन सिंह के गाने पे ज्यादा व्यूज आ सकते हैं। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि पवन सिंह का दूसरा गाना है इस सावन में, इसीलिए ज्यादा गाना रिलीज नहीं किया है दूसरा गाना, इसीलिए ज्यादा व्यूज आ सकते हैं। यहीं पे देखा जा रहा है कि सारे भाई के बहुत से ज्यादा गाने अब रिलीज हो चुके हैं, इसीलिए जो व्यूज देखा जा रहा है थोड़ा कम है। वैसे खेसारी भाई के सुना राजा पीके गाजा गाने के टीजर पे ही बहुत ज्यादा रिकॉर्ड बना दिया था कि 1 दिन के अंदर 1.2 मिलियन व्यूज आ गए थे। और वहीं पे देखा जा रहा है कि गाजा वाला जो गाना आया आज इस पे भी अच्छा खासा रिकॉर्ड्स बनाएगा। वैसे तो कल पता चलेगा कि भाई किस गाने पे कितना ज्यादा लाइक्स गया, कितना ज्यादा व्यूज गया। वैसे पवन सिंह के गाने पे ज्यादा लाइक्स व्यूज आने का मतलब है प्रीमियर, और दूसरा गाना है पवन सिंह का, ये वजह है, और कोई वजह नहीं हो सकता है कि पवन सिंह पे ज्यादा गाना आए। लेकिन खेसारी लाल यादव जितना गाना अगर पवन सिंह रिलीज करते हैं तो उनके गाने पे व्यूज नहीं आएगा, क्योंकि लोग सुनते सुनते जो है पक जाते हैं। वैसे लिखे हैं पवन सिंह के गाने को विजय चौहान, बाकी चोरी का गाना नहीं है, ये शाम को पता चलेगा क्योंकि उसको अभी रिसर्च जारी है कि किस गाने का धुन पे ये गाना जो है बनाया गया है, ये शाम तक में क्लियरिफाई हो गया है। पवन सिंह के गाने में दिखेंगे आपको स्मृति सिन्हा, जो कि भाई मुझे लग रहा है कि अब जो है पवन सिंह की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई है, हर एक जगह पे, हर एक फिल्म में, हर एक शूटिंग में साथ में ही जाती है, आप सबको पता होगा, तो कुछ जरूर चक्कर मुक्कर है इसीलिए जो है साथ में जो है काम चल रहा है। बाकी आप सबका क्या मानना है, किसके गाने पे ज्यादा लाइक्स आने चाहिए थे, किस वजह से आया है, कमेंट करके बताओ। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक मार दो, चलते हैं।